Hello friends and welcome to the world of Angel 1111. Let's bring light to earth. Friends, आज हम जानेंगे हमारी जर्नी में ड्रीम्स का, हमारे सपनों का क्या महत्व है और उन्हें डिकोड कैसे करते हैं. फ्रेंड्स, ड्रीम्स जो होते हैं वो हमारी जर्नी का एक बेहद इम्पॉर्टेंट हिस्सा है. ये हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ने के लिए एक गाइडेंस की तरह काम करते हैं. ड्रीम्स हमें हमारे भौतिक जग से परे की चीज़ों का अनुभव कराते हैं. हमारे पास्ट लाइव्स, मल्टी डायमेंशनल रियलिटी, पैरेलल रियलिटी, इन सब से इंट्रोड्यूस कराते हैं. और कभी कभी ड्रीम्स हमारे प्रेजेंट सबकॉन्शियस माइंड की जो स्टेट होती है उसको भी दिखाते हैं. और ड्रीम्स अगर देखे जाएं तो दो तरह के होते हैं, मटेरियल ड्रीम्स एंड स्पिरिचुअल ड्रीम्स. जो जो लोग ध्यान नहीं करते और दिन भर जिनके मन में विचार चलते रहते हैं, तो जिस चीज़ के बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं उनको उसी के रिगार्डिंग ड्रीम्स आते हैं. और जो लोग ध्यान करते हैं, स्पिरिचुअल माइंडसेट रखते हैं, उन्हें ये ड्रीम्स गाइडेंस के तौर पर आते हैं. एक्चुअली जब हम नींद में जाते हैं तो हमारी जो एस्ट्रल बॉडी है वो हमारे फिजिकल बॉडी को छोड़ के एस्ट्रल वर्ल्ड में जाती है और उसके थ्रू भी हम बहुत सारे एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस करते हैं और बहुत सारा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हमें उससे मिलता है. वेल, एस्ट्रल ट्रैवल के रिगार्डिंग हम फिर कभी बात करेंगे, ठीक है. बट जिस तरह से अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें ध्यान की ज़रूरत होती है, सेम उसी तरह से हमें ड्रीम्स की भी ज़रूरत होती है. अब जिन लोगों की अवेयरनेस लेवल यानी चेतना का स्तर कम होता है, उन्हें अपने ड्रीम्स याद नहीं रहते या बहुत ही थोड़ी मात्रा में याद रहते हैं. और जिनकी अवेयरनेस लेवल ज़्यादा होती है उन्हें अपने सपने याद रहते हैं, सपने की एक एक डिटेलिंग उनको याद रहती है. इतना ही नहीं, जिनका अवेयरनेस लेवल और ज़्यादा हायर लेवल पे होता है वो उन ड्रीम्स को अपने हिसाब से चेंज भी करते हैं, जिसको ल्यूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है. तो जितना आपका चेतना का स्तर हाई उतने मीनिंगफुल ड्रीम्स, और जितना आपकी चेतना का स्तर लो उतने मीनिंगलेस और फालतू के ड्रीम्स हम कहेंगे. ड्रीम्स के थ्रू हम हमारी पास्ट लाइफ के रिगार्डिंग जान सकते हैं, कोई लेसन अगर सीखना हो तो वो सीख सकते हैं, या फिर आगे जो कुछ भी होने वाला है वो भी हमें ड्रीम्स में पहले से ही पता चल जाता है, दिख जाता है. अपनी वेकिंग लाइफ में अगर आप किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो उनके जो सॉल्यूशंस हैं वो भी आपको ड्रीम्स में मिलते हैं. बट इन सब के लिए आपकी अवेयरनेस लेवल जो है वो हाई होनी चाहिए, और जो ध्यान से ही होती है, ठीक है. एक्चुअली हमारे ड्रीम्स के थ्रू हमें जो ज्ञान मिलता है वो कई गुना पावरफुल होता है और जो बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है. चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं उनको डिकोड कैसे किया जाए. तो सबसे पहले अपने सपनों को लिखना स्टार्ट करें, एक डायरी मेंटेन करें, ठीक है. आपको जो भी जिस भी तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं वो उस डायरी में लिखा करें. दूसरा स्टेप ये है कि याद करने की कोशिश करें कि ड्रीम स्टेट में आपकी फीलिंग किस तरह की थी. आप पॉजिटिव फील कर रहे थे या नेगेटिव फील कर रहे थे. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, नींद से उठने के बाद आपकी जो भी फीलिंग होती है वो आपके ड्रीम से ही आई हुई होती है, और अगर आप अवेयर नहीं हैं तो वही फीलिंग दिन भर कैरी ऑन होती रहती है. तो अपने फीलिंग्स को नोटिस करना सीखिए. एक एग्जांपल लेते हैं. अगर आप ऊंचाई से डरते हैं या किसी तरह के एडवेंचर से डरते हैं और आपको ड्रीम आता है कि आप बंजी जंपिंग कर रहे हैं, राइट, या फिर किसी तरह का एडवेंचर कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप ये सब कर सकते हैं, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. सेम अगर आपको डांस नहीं आता या फिर सिंगिंग नहीं आती, पेंटिंग नहीं आती, और ड्रीम्स में अगर आप खुद को देख रहे हैं सिंगिंग करते हुए, डांस करते हुए, पेंटिंग करते हुए, राइट, तो आपके लिए यूनिवर्स ये मैसेज दे रहा है कि आप ये सब कर सकते हैं, आप में उतनी क्षमता है, ठीक है. एक और अगर एग्जांपल दिया जाए तो अगर आपको पानी का ड्रीम आता है, राइट, अगर आप ड्रीम्स में पानी देखते हैं, नदी देखते हैं, है ना, तो पानी एक संकेत है आपके सबकॉन्शियस माइंड का, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड की स्थिति दिखाता है.
अगर वही पानी आपको गंदा नजर आए तो समझ जाइए कि आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें स्टोर्ड हैं जो आपको रिलीज़ करनी है। या फिर अगर आप किसी तरह के क्लीनिंग का ड्रीम देखते हैं कि आप कोई जगह क्लीन कर रहे हैं, राइट, किसी तरह की सफाई कर रहे हैं, तो ये संकेत है कि आप अपनी वेकिंग लाइफ में किसी ओल्ड एनर्जी को क्लियर कर रहे हैं ताकि आप न्यू एनर्जी को रिसीव कर सकें। ठीक है, थर्ड स्टेप ये है कि आप सेल्फ टॉक बढ़ाएं, अपने आप से अपने मनस्थिति के रिगार्डिंग बात किया करें, यानी खुद से ही खुद के मन के स्थिति के रिगार्डिंग क्वेश्चन किया करें। और यहाँ बेहद इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस समय आपको खुद के साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट रहना है। जो मन की स्थिति उस समय पे है, जो ट्रू फीलिंग है, उसे एक्सेप्ट करना है और फिर उससे बाहर निकलने के लिए सॉल्यूशन ढूंढना है। ठीक है, सेल्फ टॉक जो है वो आपको अपने ड्रीम्स को डिकोड करने में और उनके अंदर छुपे हुए जो मैसेजेस हैं यूनिवर्स के, उनको ढूंढने में आपको बहुत हेल्प करता है। और ड्रीम डिक्शनरीज भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्टार्टिंग फेज में, राइट, जहाँ ड्रीम्स का सिंबॉलिक मीनिंग एक जनरल वे में बताया होता है, बट एक्चुअली वो लिमिटेड ही होता है। कभी कभी क्या हो जाता है कि उसी सिंबल्स का आपके करंट सिचुएशन के अनुसार आपके लिए मीनिंग जो है वो अलग भी हो सकता है। तो बेटर है कि किसी पे डिपेंड होने की बजाय आप खुद अपने ड्रीम्स को डिकोड करना स्टार्ट कर दें। शुरुआत में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, बट धीरे धीरे जैसे आप खुद के साथ और ज़्यादा जुड़ने लगते हैं, वैसे वैसे आप अपने ड्रीम्स को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, उनके पीछे छुपे हुए ज्ञान को, मैसेजेस को, गाइडेंस को समझ पाते हैं। और जैसे जैसे हम उन्हें डिकोड करना सीख लेते हैं, वैसे वैसे आगे जाके ड्रीम्स के थ्रू हमें और ज़्यादा गाइडेंस मिलता जाता है। बट याद रखिए, जिनका अवेयरनेस लेवल और कॉन्शियसनेस लेवल ज़्यादा, उनको ही ड्रीम्स याद रहते हैं। और कॉन्शियसनेस लेवल रेज करने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम है, जो है ध्यान करना। तो होपफुली आप समझ चुके हैं कि हमारे जो ड्रीम्स होते हैं उनका हमारी जर्नी में कितना महत्व है और उन्हें डिकोड कैसे किया जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। डीप थैंक्स टू ऑल होली मास्टर्स। Thank you.